नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 28 मार्च 2019, समय 3:43 हो रहे हैं, यानी 43 मिनट। अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक मैं टेलीग्राम पे देता हूं, सॉरी यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में देता हूं, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आप लोगों के लिए, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा, किसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस। देखिए पहला स्टॉक मैंने दिया था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का 763 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था। उसके बाद जब ये स्टॉक निकला 763 के ऊपर, तो पहला टारगेट 768 का था, इसने आपको यहाँ कहीं पे अचीव करके दे दिया। दूसरा टारगेट 773 का था, इसने यहाँ पे आपको अचीव करके दे दिया। और तीसरा टारगेट 778 का था, इसने यहाँ पे अचीव करके दे दिया। तीनों टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया, उसके ऊपर भी काफ़ी गया ये स्टॉक, पर हमारा तीन टारगेट इस तरफ अचीव हो गया, सेलिंग की तरफ तो आया ही नहीं, तो बाय हमारा ऑर्डर तीनों इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में टारगेट अचीव हो गया। अगला स्टॉक मैंने दिया था बजाज फाइनेंस का, तो चलिए बजाज फाइनेंस को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बजाज फाइनेंस में क्या होता है, तीन टारगेट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आ गया। बजाज फाइनेंस में जो ऑर्डर आया 2965 के ऊपर बाय लेना था, 2965 के ऊपर बाइंग करना था, शुरू के 5 मिनट इग्नोर कर दे तो 2965, तो उसके बाद ऑर्डर यहाँ कहीं पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और पहला टारगेट जो था 2980 का था, तो 2980 का टारगेट आसानी से बजाज फाइनेंस ने हमें दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 2982 का टारगेट आराम से दे दिया। दूसरा टारगेट जो मैंने कहा था वो था 2995 का, यानी 295 रुपये का, तो स्टॉक ने उतना दूर गया। हाँ, स्टॉक ने क्लोजिंग कितना पे किया आज, यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है 2995, डेली पे चार्ट पे कितना क्लोजिंग दिखा रहा है 2995, बंद हुआ है यहाँ पे 2995, यानी टारगेट दिया दूसरा टारगेट, लेकिन मार्केट बंद होने के टाइम में दिया। एक टारगेट इसने आसानी से आपको अचीव करके तो दे ही दिया यहाँ, ठीक है, एक टारगेट तो इसने आसानी से अचीव करके दे दिया। दूसरा टारगेट आपको 295 का था, तो इसने कब अचीव किया, ये लगभग अचीव किया 3 बजे, ठीक है, यानी दो टारगेट आराम से अचीव हो गए हमारे बजाज फाइनेंस में। अगला स्टॉक दिया था मैंने डाबर का, ठीक है, तो चलिए डाबर को देख लेते हैं। दो टारगेट आराम से बजाज फाइनेंस में, तीन टारगेट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। डाबर को मैंने 415 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था। स्टॉक जब 415 के ऊपर निकलेगा, 415 के ऊपर 415 के ऊपर निकलना था, तो इस कंडीशन में जो टारगेट था 419 का था, तो स्टॉक ने 417 का हाई लगाता है, यानी आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। 408 के नीचे सेल था, तो स्टॉक 408 के नीचे आया ही नहीं है आज, तो हमारा सेलिंग ऑर्डर नहीं हुआ, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी दोनों में टारगेट अचीव हो गए। तो दोस्तों ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। और फिर से एक जानकारी दे दूं कि मैं एक प्रीमियम सर्विस स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टॉक रिलेटेड, अगर आप लोग को वो सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।